यानी कि 200 मीटर ही आगे जाएगा, उसके बाद सड़क खत्म। सड़क खत्म है, आगे है सड़क बंद। हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सीरीज ऑफ टूर। सो नेक्स्ट डे हमने कल्पा में से हम सुसाइड पॉइंट की तरफ निकले थे घूमने के लिए, जो कि कल्पा में वेरी फेमस पॉइंट है देखने वाला। और वहां पर हमने जो देखा उस रोड्स का व्यू और रोड का साइट जहां पर तो सबसे बढ़िया बात रोडियां जिन पे बर्फ में ट्रैफिक ऐसा नहीं था, और सड़क बहुत ही ज्यादा छोटी नैरो थी, बट ऐसा था कि सड़क प्रॉपर बनी हुई थी, तो वैसा कोई यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी सड़क में। देखिए रोड पीछे बिल्कुल कुछ नहीं है, और ऐसा ही आगे का दृश्य है। और मैंने थोड़ा ट्राई किया था सनरूफ से बाहर आने का और देखने का व्यू, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए रास्ते में भी कुछ लोग जो मिल रहे थे वो भी अपना थंब रेज कर रहे थे, इट मीन कि दे वर आल्सो फीलिंग एक्साइटेड। सो मतलब आप देखिए पीछे का व्यू देखिए, जो यहाँ के पहाड़ थे वो भी बेसिकली गंजे पहाड़ जिनको कहते हैं वो थे। अगर आप लद्दाख की तरफ जाओगे तो आपको ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे, बट इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज दीज प्लेसेस वर लॉन्गेस्ट एटीट्यूड में है, हाइएस्ट जिनका एटीट्यूड माना जाता है। तो इस कारण मतलब बिल्कुल ही शांति, और लंबे लंबे पहाड़ियाँ चारों की तरफ, और ग्रीनरी पूरी थी। मौसम ठंडा था, अराउंड 3-4 डिग्री टेम्परेचर था, ऊपर से हवा तो लग रही थी बट व्यू भी अच्छा आ रहा था। इस कारण थोड़ा सा टाइम ऊपर सनरूफ के बीच में से निकल के स्पेंड किया व्यू देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या हुआ। आगे है कुछ जाने के लिए? कुछ नहीं है। तो यहाँ से भाई बता रहे हैं कि कुछ है नहीं आगे, तो रास्ता हमें दूसरा लेना पड़ेगा। तो इस रास्ते में कुछ मिला नहीं साइड पॉइंट के अलावा। भाई की बाइक है हिमालयन। तो मिलते हैं दोबारा एक बार फिर। यहाँ आगे क्या है नेक्स्ट? आगे कुछ नहीं, गाँव ही है बस, ऐसा ही। दिस इज फाइनल। और का क्या है फिर घूमने लायक, कुछ है बढ़िया यहाँ पे आसपास? बढ़िया है ये सुसाइड पॉइंट। नहीं सुसाइड पॉइंट तो देख लिया, अभी उसके बाद कुछ और सुनो। यहाँ से आगे मंदिर नहीं, जैसे मंदिर कौन सा आगे? जैसे हमने मान लो 60-70 किलोमीटर जाते हैं यहाँ। नहीं जाता है यहाँ से। कितना आगे तक जाता है ये? आगे यानी कि 200 मीटर ही आगे जाएगा, उसके बाद सड़क खत्म। सड़क खत्म है, पर ये इधर तो दिखा रहा है। नहीं तो पहले तो था ना तिब्बत। अच्छा ऐसा बॉर्डर पे चरस, इसको तिब्बत बॉर्डर कहते थे। उगती भी नहीं तिब्बत बॉर्डर, तिब्बत रोड। ये अभी तिब्बत ही आगे आ जाएगा, ये तिब्बत तो आगे आएगा उधर से। हाँ। तो वैसे लास्ट गांव है ये भी। ये लास्ट गांव है। नहीं पर ये आगे तो 60-70 किलोमीटर अपना ही है ना सब? हाँ अपना है, पर गांव लास्ट है ना आगे ना पहले का। ये अभी खंडर हो गया हुआ है, रोड बंद कर दिया। हाँ। रोड नहीं बना हुआ, रोड नहीं बना हुआ। अच्छा, पर वैसे जाते हैं लोग? जाते हैं। जाते कैसे? अपनी कन्वेंस से तो पैदल है? पैदल जा रहे हैं। हाँ। इतनी दूर 50-60 किलोमीटर आगे? हाँ। नहीं जो आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम आपको। क्या नाम है आपका? प्रताप चंद। प्रताप चंद जी आप वीडियो में आओगे। तो वी आर टर्निंग बैक, तो एक और जगह है। बेसिकली ये मैंने पहले भी बोला कि छोटे छोटे गांव हैं जो बॉर्डरों पे बसे हुए हैं, जैसा कि प्रताप जी ने बोला कि आगे कुछ नहीं है। तो आगे लास्ट यही गांव था जहां हम अभी घूम रहे हैं। तो लेट्स सी कि हम अभी नेक्स्ट कहां पूछ के कहां जाते हैं। तो मौसम फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, बार बार यही बोली जा रहा है मौसम। तो हाई सफाई इतनी, मतलब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्लान करो आप भी, अगर आप यू लव टू ट्रेवल तो प्लान करो। गाड़ी थोड़ी स्लीप हो, सॉलिड लेके आना जिसके सस्पेंशन वगैरह ठीक हो। ये रास्ते भी बीच बीच में है, और
लॉन्ग ड्राइव है भी, आई थिंक 400 किलोमीटर अराउंड लुधियाना इज होम टाउन, तो वहां से इस तरफ आए। बहुत मजा आ रहा है यार, हंसो मत यार, हंसो मत, आ रहा है तो बोलना पड़ेगा ना, सच्चाई दिखाना तो आए क्या है, आपको व्यूज और इन्फॉर्मेशन साथ साथ में दे रहे हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम प्लान करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं श्योर हूं। हमने क्या किया था, कल शाम से चले थे और सुबह पहुंचे यहाँ कल्पा चिटकुल और पू, ये ऐसी छोटी छोटी टाउन है जिनका अपना एक अलग महत्व है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि पू में बहुत बर्फ है, अभी देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि यहाँ भी कल की प्रेडिक्शन है, यहाँ 95% स्नोफॉल के चांसेस है जो प्रेडिक्शन है। मैं एक खाई दिखा दी थोड़ा आपको, मतलब निगाह नहीं पड़ रही, वो निगाह नहीं पड़ रही, बहुत ज्यादा गहराई है कसम से, देख लिया, चलो दोबारा मिलता हूँ। कुछ बताना चाहोगे कौन सी जगह पर आए हम और क्या मौसम अभी चल रहा है? बारिश का माहौल पूरा एकदम से तैयार हो चुका है, बारिश शुरू हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है। हम थोड़ा इस टाइम पे लो हाइट पे हैं, अगर आप देखें ऊपर तो वो एकदम बर्फ वाली हवा चल रहा है और हम थोड़ा नीचे फ्लैट एरिया में आ गए बस, तो ये नीचे आप दिखा पाएंगे अगर इन लोगों को, तो ये एकदम सतलुज नदी है बेसिकली, निकलती है यहाँ तिब्बत से 50 किलोमीटर पीछे से ये ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बत से भारत में एंटर कर रही है, वहां तक हमारा जाने का विचार था जो अभी धीरे धीरे बदल रहा है क्योंकि मौसम आप देख जैसे आप देख ही पा रहे हैं बहुत खराब हो गया है, मौसम स्नोफॉल भी हो रही है ऊपर, तो अभी हम 25 किलोमीटर नीचे आए हैं जो अपनी हमारी बेस लोकेशन थी जहाँ पर हम स्टे किया है, और लड़कों का मन था कि थोड़ा पानी वानी को हाथ लगाया जाए, तो अभी उसका एक शायद हम प्रयास करेंगे, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट आल्सो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वेदर, अगर मौसम थोड़ा सा सही होता है तो फिर तो नहीं जाएंगे, नहीं पास नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर साफ सुथरा पानी तो, और वो आपको पीछे दिखा पाए ऊपर की बर्फबारी हो रही है एकदम से बराबर वहाँ, तो प्रॉपर अभी स्नोफॉल हो पीछे हो साइड हो और यहाँ शूटिंग चल रही है सनरूफ में, ये इसलिए कुर्ते पजामे में रात की जो ड्रेस है उसमें फोटो सेशन चल रहा है भाई, बड़े भाई का नदी निकल जानी है, कंटिन्यू व्यू मैं दिखाता रहूंगा तेज करवा कि अगर व्यू नहीं देखे बातें तो हमेशा होती रहेगी। ये पीयू की तरफ से जा रहे हैं हम, जो मैंने पहले बताया था, व्यू मैं दिखाता रहूंगा ये पक्का प्रॉमिस है आपको, आपका मन भी करे।
बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है इतने, तो हमें मतलब घूमने का भी मजा आ रहा है। खाली रोड है, खाली सब कुछ है। सड़क बंद तो भैया लोग वो कर रहे हैं, ये सड़क बंद की हुई है। तो रास्ते में ऐसे झरने बहुत मिले हमें, सबसे बड़ा पता झरना तो यही और एक और आगे मिलेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी साफ था और पहाड़ों से बर्फ पिघल के आ रही थी। फाइनली एक शॉप मिल गई है, वहां पर मोमोज भी मिले हैं, चिकन वाले और मटन वाले, सॉरी है ना। तो उन्होंने साथ में ये दिया चिकन वेज मटन सूप, वेज सूप, वेज मटन, इट्स लाइक मोजो। सो इट्स लाइक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि ट्रेडिशन है हर जगह का, मोमो के साथ मिलता नहीं सूप। वही कह रहा हूँ मैं, ट्रेडिशन है। कहाँ गए वो? सो वी रीच फाइनली एट रूम, आवर अदर एंटरटेनमेंट स्टार्टेड। चलो चलो चलो, माय टर्न, यस योर टर्न, मिलता हूँ दोबारा।